जय हिंद क्लास। आज हमारा टॉपिक है लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन जो टॉपिक है वो हमें टीएच मॉर्गन ने जो है वो दिया था। एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे इस पर ड्रोसोफिला पे। तो जो टीएच मॉर्गन थे उन्होंने जो है वो ड्रोसोफिला पे अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा और उसके बाद जो है ये लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन का जो फिनोमिना था वो उन्होंने प्रपोज करा। ओके, जो लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन का जो ये फिनोमिना था इन्होंने जो है वो ऑब्जर्व करा 1908 से लेके करीबन 1911 तक जो है इन्होंने ये चीज़ ऑब्जर्व करी। एंड करीबन 1912 में जो इन्होंने जो है जो फिनोमिना था वो प्रपोज करा। इन्होंने जो है इसमें देखा कि जो लिंकेज में जो इन्होंने जो फिनोमिना में जो इन्होंने देखा कि कुछ जीन्स जो है वो अलग अलग क्रोमोसोम्स पे ना प्रेजेंट होके एक ही क्रोमोसोम्स पे जो है वो एक से ज़्यादा जीन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमने अभी जो पढ़ा था क्रोमोसोमल थ्योरी में, तो उसमें हमने अलील्स को जो है वो क्रोमोसोम से कंपेयर करा था। यानी कि एक अलील, यानी एक जो जीन अलील होगा ये टीएच है, तो यानी कि जो है एक अलील होगा तो वो एक क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होगा और दूसरा वाला दूसरे वाले पर, यानी टी जो है वो प्रेजेंट होगा इस पे और स्मॉल टी प्रेजेंट होगा दूसरे वाले उस पे, दूसरे क्रोमोसोम पे। एक होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, यानी कि एक जो है वो अलील जो है वो एक वाले दूसरे एक क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होगा, दूसरा वाला अलील जो है वो दूसरे वाले क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होगा। लेकिन मॉर्गन ने इसको जो है वो नकार दिया। मॉर्गन ने बोला कि नहीं, क्रोमोसोम पे जो है वो एक से ज़्यादा जीन्स भी रह सकते हैं, एक से ज़्यादा जीन्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। यानी कि इसकी पे जो है वो कैपिटल आर और स्मॉल आर होगा, यानी कि जो राउंड वाले जो केस था वो भी जो है वो जरूरी वो इसी क्रोमोसोम पर प्रेजेंट हो सकता है, वो इसी क्रोमोसोम पर प्रेजेंट हो सकता है। तो ये चीज़ जो है उन्होंने बताई। चलो तो वो देखते हैं उन्होंने क्या कैसे बताया, इस चीज़ को कैसे ऑब्जर्व करा था। जो है ये ड्रोसोफिला पे जब ये ऑब्जर्व कर रहे थे तो इन्होंने देखा कि उन्होंने जब बहुत सारी जनरेशन देखी, इन्होंने बहुत सारी जनरेशन देखी तो इन्होंने जो है एक करेक्टर्स को जो है ऑब्जर्व कर रहे थे, उसमें इन्होंने क्या करा कि जो रेड आई जो है वो फीमेल में जो है ड्रोसोफिला, फीमेल ड्रोसोफिला में जो है वो रेड आई को ऑब्जर्व करा और जो एक मेल लिया, एक फीमेल लिया था रेड आई वाली और एक मेल लिया जो है वो है ब्लू आई वाला, मेल लिया वाइट आई वाला, कौन सा वाइट आई वाला जो है वो मेल लिया और रेड आई वाली जो है वो फीमेल ली। उसके बाद जब इन्होंने इसको क्रॉस कराया तो इनके जो F1 जनरेशन निकला, जब इनका F1 जनरेशन निकला तो उन्होंने देखा कि सारे जितने भी प्रोजेनी होंगे वो सारे रेड आई वाले हुए, जितने भी प्रोजेनी हुए सारे रेड आई वाले हुए। ओके, उसके बाद जब इन्होंने आपस में जब इसे F1 जनरेशन में जब क्रॉस कराया, यानी रेड आई वाले जो है वो क्रॉस कराया जब इन्होंने, तब इन्होंने देखा कि जो सेकंड जनरेशन में जो F2 जनरेशन आई उसमें इनका रेशियो आया 3:1, यानी 3 रेड वाले और 1 वाइट वाले, जैसे सेम जो है जैसे मेंडल ने करा। वैसे जब इन्होंने डाईहाइब्रिड क्रॉस निकाली तो डाईहाइब्रिड क्रॉस में भी सेम रिजल्ट आया इनका जैसे मेंडल का आया था। लेकिन उनमें जो एक जो सबसे मेन जो डिफरेंस था वो ये था कि इन्होंने ऑब्जर्व करा कि जितने भी जो वाइट आई वाले जो करेक्टर्स आए, जो करेक्टर जो है वाइट आई वाले हुए वो सारे के सारे जो है वो मेल्स में हुए। वाइट आई वाले जितने भी प्रोजेनी डेवलप हुए वो सारे मेल्स हुए, फीमेल जो है वो एक भी करेक्टर जो एक भी फीमेल जो है वो वाइट आई के साथ जो है वो डेवलप नहीं हुई। तो उन्होंने ये देखा कि ऐसा क्यों हुआ, इस चीज़ पे जो है उन्होंने फिर ये कुछ उन्होंने समझा और उन्होंने जो है ये चीज़ समझी और उन्होंने बोला कि जो जीन्स है वो आपस में लिंक्ड भी होते हैं, जो जीन्स है वो आपस में लिंक्ड भी होते हैं। यानी कि अगर हमने ले लिया क्या जो है रेड वाला और स्मॉल रेड, यानी कि ये जो जीन लिया तो इसमें जो है ये लिंक्ड भी हो सकते हैं, इसलिए जो है उन्होंने बोला कि एक ही क्रोमोसोम पे जो है वो प्रेजेंट होंगे। और यहाँ से इन्होंने निकाला कि एक क्रोमोसोम पे जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं दो से ज़्यादा जीन्स जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम इसका फिनोमिना पढ़ते हैं कैसे जो है ये लिंकेज है और कैसे जो है वो रिकॉम्बिनेशन होती है। तो इस टॉपिक से पढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहूँगा, ये टॉपिक थोड़ा सा अच्छे लेवल का टॉपिक है और इस टॉपिक को ध्यान से पढ़िए। इस टॉपिक को ख़त्म करने के बाद, इस टॉपिक को पूरा पढ़ाने के बाद जो है मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा
उस क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोगों को वीडियो पॉज करके कमेंट में देना है। ओके, आंसर सुने बिना जो है वो आप लोगों को आंसर देना है कि क्या होगा। मैं रिलेशन पूछूंगा लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन में, जब टॉपिक पढ़ेंगे तो एक रिलेशन पूछूंगा, अभी बताता हूँ कि एक रिलेशन पूछूंगा कि क्या रिलेशन हो सकता है। ओके चलिए तो पढ़ते हैं टॉपिक। ओके तो हम लेते हैं एक जी, हमने एक क्रोमोसोम बनाया, तो जो लिंकेज का जो फिनोमिना है, जो लिंकेज में जो फिनोमिना है वो कहता है कि एक क्रोमोसोम पे जो है वो दो से ज़्यादा जीन जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं। एक क्रोमोसोम पे दो से ज़्यादा जीन जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं। सपोज यहाँ पे हमने जीन वन ले लिया, ये जीन टू हो गया, ये जीन थ्री हो गया, ये जीन फोर हो गया, चार जीन जो है वो एक क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। ओके, उसके बाद जो आप लोगों को ये इन दोनों के बीच में जो गैप दिख रहा है, दो जीन्स के बीच में जो गैप होगा, उसको बोलते हैं हम फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। ओके, फ्रीक्वेंसी जो हम फ्रीक्वेंसी को जो है वो म्यू से डिनोट करते हैं हम लोग। तो जब दो जीन्स के बीच में जो गैप होता है उसको बोलते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी। ओके, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, और इन ये भी जो है वन और फोर के बीच में, ये भी क्या है? फ्रीक्वेंसी। वन और फोर के बीच में गैप है, तो उन दोनों के गैप में जो प्रेजेंट हो, तो गैप जो प्रेजेंट है उसको क्या बोलेंगे हम? फ्रीक्वेंसी। ओके चलिए, उसके बाद जब लिंक दो जीन जो है वो लिंक कब होंगे, दो जीन लिंक कब होंगे वो देखते हैं हम कैसे। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, उसके बाद जो है ये डायग्राम दोबारा बना के जो है वो समझाता हूँ मैं आप लोगों को। पहले एक एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। एक एग्जांपल से ऐसे समझते हैं कि आप लोग जब स्कूल जाते हो तो स्कूल में आपके फ्रेंड्स होंगे, उस जो जिस जिस फ्रेंड के साथ आप लोग का अच्छी दोस्ती होगी आप उसी के साथ बैठते होगे, जो सीट पे जो है, जो सीट पे जो आपको मिली होगी, जो वहाँ पर आप क्लास में जिसके साथ बैठते हो वो आपका सबसे अच्छा फ्रेंड होगा। तो जब उसके साथ बैठते हो तो आप बाकी जो जो क्लास में और भी बच्चे होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बातें आप किससे करते हो? उसी दोस्त से करते हो। ठीक है, तो जब उसी दोस्त से आप बातें करोगे, और भी दोस्त होते हैं, बहुत सारे क्लासमेट्स होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बात लोग नहीं करते, तो ये होगा कि आप उसके साथ क्या होता है? लिंक्ड रहते हो। आप उसके साथ लिंक्ड रहते हो, घर पे जाते हो, घर पे भी बात करते हो, उसके बाद कॉल भी कर लिया। तो ये सारी चीज़ें किस लिए करते हो? क्योंकि आप उसके साथ क्या होते हो? एक लिंक्ड रहते हो, एक रिलेशन अच्छा आपकी दोस्ती है, तो आप लोग उसके साथ लिंक्ड रहते हो, यानी ज्वाइंट रहते हो उसके साथ। तो सेम ऐसी जो है वो क्रोमोसोम्स के साथ भी होता है, जो जो पास पास में जो बैठते हैं तो आप लोग ज़्यादा बातें करोगे, वो ये चीज करोगे, तो वो दूसरे से जब दो फ्रेंड्स हैं तो वो दूसरे जो है अगल बगल नहीं जाएंगे बातें करने, ओके। वैसे जो है अगर यहाँ पे दो जीन्स जो हैं वो एक साथ प्रेजेंट है, दो जीन्स जो है वो पास पास प्रेजेंट होंगे, तो इनके बीच में लिंकेज क्या होगी? बहुत ही बढ़िया होगी, गुड लिंकेज होगी इनके बीच में। ये कैसे होंगे? इनके बीच में लिंकेज कैसे होगी? गुड लिंक होगा इनके बीच में। ओके, बहुत अच्छी होगी, यानी कि जो हाई लिंक ये बोल सकते हैं या फिर गुड लिंक बोल सकते हैं। ओके, उसके बाद जब आपका दोस्त किसी दिन एब्सेंट हो गया, सपोज आपका दोस्त जो है किसी दिन एब्सेंट हो गया, तो उस दिन पे जो है आप किसी और से बातें करते हो। जब आपका दोस्त किसी दिन एब्सेंट हो जाता है तो आप क्या करते हो कि किसी और दोस्त से बात करते हो, तो उसके साथ जो है आप ज़्यादा बातें करते हो। ओके चलो, उससे एक एग्जाम्पल जो है थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा और कैरी फॉरवर्ड करते हैं। देखो कैसे कि आपने जो है स्कूल में आपके दोस्त है, आपने पढ़ा, तो स्कूल से जब आप लोग बाहर निकलोगे, स्कूल से जब आप पास आउट करोगे, 12th पास आउट करोगे, उसके बाद आप कॉलेजेस में जाओगे, सपोज आपके साथ जो है आपका दोस्त भी गया, आपके साथ आपका दोस्त भी जो है वो उसी कॉलेज में गया जिस कॉलेज में जो है आपने एडमिशन लिया। ओके, तो जब आपका फ्रेंड भी आपके साथ जब एडमिशन लेगा तो आप लोग क्लास में जाओगे, तो आप बाकी जनों को तो जानते नहीं होंगे। जब बाकी जनों को आप नहीं जानते होंगे तो वहाँ से उनके साथ जो बातचीत जो है आप ज़्यादा नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आप जो जानते नहीं हो उनको, और आपका फ्रेंड जो है वो है आपके साथ, तो आप अपने फ्रेंड के साथ ही बातें करोगे, दूसरे के साथ तो करोगे नहीं, क्योंकि आपका फ्रेंड है वो। अगर आपने दूसरे के साथ बातें करा, अपने फ्रेंड के साथ नहीं करा, वो बोलेगा कि बचपन से मेरे साथ पढ़ा, कि स्कूल में भी मेरे साथ पढ़ा और यहाँ आके जो है मुझे भूल गया। तो ये हुआ कि जो है उनके वहाँ पर जो है आप उसी से बात करोगे, वो जो है उसे आपसे बात करेगा। लेकिन सपोज ऐसी कंडीशन आई कि जो है आप और आपका दोस्त जो है वो अलग अलग कॉलेजेस में गए, आप और आपके फ्रेंड जो है वो अलग अलग कॉलेजेस में गए, और वहाँ पे आपको जो है किसी को नहीं जानते, आपका दोस्त जो है वो कोई नहीं है,
तो उस कंडीशन में जब आप अकेले जा रखे हो कॉलेज में, तो उस कंडीशन में क्या आप जो दूसरों के साथ घुलोगे मिलोगे, इन्हें दूसरों से बातें करोगे, जो नए फ्रेंड्स बनाओगे, तो नए फ्रेंड्स कब बनाओगे, जो आपका दोस्त जो है उस कॉलेज में ना जा रखा हो। अगर आपका फ्रेंड जो है वो पहले से ही जा रखा है उस कॉलेज में, साथ जा रखा है, आपके साथ जो है वो जा रहा है, तो आप जितनी जल्दी नहीं होगी आपको जो है फ्रेंड बनाने की। लेकिन अगर कोई फ्रेंड जो है आपका नहीं है क्लास में, जो इस कॉलेज में गए तो वहाँ क्लास में गए तो आप वहाँ पे कोई और फ्रेंड नहीं है आपका, तो उस केस में क्या होगा कि आप जो है वहाँ जाओगे, बातें करोगे किसी से, कोई फ्रेंड बनाओगे वहाँ पे, तो वहाँ पे जो है फ्रेंड क्या होगा, जल्दी बनेंगे वहाँ पे, फ्रेंड क्या बनेंगे, जल्दी बनेंगे। ओके चलो, तो सेम कंडीशन जो है वो यहाँ पर भी होती है, सेम कंडीशन जो है वो यहाँ पर भी होती है। तो देखना कैसे, तो हम यहाँ पर जीन्स प्रेजेंट थे, यहाँ पे जीन्स जो है वो प्रेजेंट है, यहाँ पे फर्स्ट जीन था, सेकंड जीन था, थर्ड जीन हो गया और ये फोर्थ जीन हो गया। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। फिर तो इनके बीच में जो इन दोनों के बीच का गैप क्या होगा, फ्रीक्वेंसी। इन दोनों के बीच का गैप क्या होगा, फ्रीक्वेंसी। वैसे क्या इन दोनों के बीच का गैप भी फ्रीक्वेंसी होगा, इन दोनों के बीच का गैप भी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होगा। उसके बाद जो ये जो लिंकेज है उसमें है कि ये दोनों जो है जो दो जीन्स है वो आपस में जो है बहुत अच्छी तरह लिंक रहते हैं। कौन से बहुत अच्छी तरह लिंक होंगे, जो पास पास है या जो दूर है, यानी कि जो एक कॉलेज में दो दोस्त है वो एक कॉलेज में गए तो वो आपस में ज़्यादा लिंक रहेंगे, और अगर अलग अलग कॉलेज में गए तो वो कम लिंक रहेंगे। तो वैसे जो पास होंगे वो ज़्यादा लिंक होंगे, और जो कम होंगे, जो दूर दूर होंगे वो कम लिंक होंगे, वो कम लिंक होंगे। जैसे एग्जाम जो है वो फर्स्ट और सेकंड वाला, जो फर्स्ट एंड सेकंड जीन है, ये दोनों जीन है, तो इन ये जो होगा जो फर्स्ट एंड सेकंड जो जीन है वो कैसे होंगे, बहुत ही टाइटली लिंक होंगे। यानी कि ये जो है आपस में बातचीत करेंगे, दूसरे से पूछेंगे नहीं, जैसे कि सेम कंडीशन वैसे जैसे आप लोग बताया कि आपका और आपके दोस्त का जो है वो कॉलेज में एक ही सेम कॉलेज में गए, तो वहाँ पर जो है आप जल्दी किसी के साथ जब जानते नहीं हो तो जल्दी किसी के साथ बातें नहीं करोगे, उनके साथ घुलोगे मिलोगे नहीं। तो सेम कंडीशन जो है यहाँ पर भी होती है, यहाँ पर भी जो है वो ये दोनों बाकी इन दोनों से जो है मतलब ही नहीं रखेंगे, आपस में जो है बात करेंगे और वहाँ पर खुश रहेंगे। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर लिंकेज क्या होगी लो लिंकेज। ये दोनों जो आपस में इनका लिंकेज क्या होगा, हाई लिंकेज होगा। लो के बीच में क्या होगा, हाई लिंकेज होगी। वैसे ही आगे बढ़े हम लोग, तो ये दोनों जो क्या है दूर दूर है, और ये जो है पहले इसके साथ जो है वो बैठ चुका है, यानी कि आपका दोस्त आपके साथ बैठ चुका है, तो आप दूसरों से किसी से बात नहीं करोगे, वैसे ही जब ये इसके साथ लिंक हो गया, जब फर्स्ट वाला जीन जो है वो सेकंड वाले के साथ लिंक हो गया, तो क्या वो थर्ड एंड फोर्थ वाले से बात करेगा, ज़्यादा बात नहीं करेगा, यानी ज़्यादा लिंक उनके साथ नहीं होगा। तो इनके इन दोनों के बीच में, यानी कि जो फर्स्ट वाला क्रोमोसोम है, फोर्थ वाला क्रोमोसोम है वो क्या होंगे, उनके बीच में जो लिंकेज होगी वो कैसी होगी, बहुत ज़्यादा कम होगी। उनके लिंकेज कैसे होगी, बहुत ज़्यादा कम होगी, यानी कि लो लिंकेज होगी इनके बीच में, कैसी होगी, लो लिंकेज। लिंकेज सबसे ज़्यादा कम जो है वो इनके बीच में रहेगी, और इनके बीच में सबसे ज़्यादा रहेगी। ओके तो यहाँ से देखने में आया कि जो जिनके बीच में जो है वो गैप जिसका कम रहेगा, यानी फ्रिक्वेंसी कम रहेगी तो लिंकेज ज़्यादा होगी, और फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी तो लिंकेज कम होगी। ओके आगे बढ़ते हैं। फिर ये तो फिनोमेना था हमारा लिंकेज का, ये फिनोमेना कैसा था, लिंकेज है, जिसमें हमने क्या जाना कि दो जो है जीन्स लिंक्ड कब होते हैं, जब उनके बीच फ्रीक्वेंसी का हो कम हो, तो वो ज़्यादा है ज़्यादा लिंक्ड रहते हैं, और जिसके भी जो है फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो, यानी कि दो जीन्स के बीच में गैप ज़्यादा होगा, तो वो क्या होगा, दो जीन्स के बीच में जब गैप ज़्यादा होगा तो वो लिंक्ड भी कम होंगे। तो ये हमारा जो है वो लिंकेज का जो फिनोमेना है वो यही कहता है कि जब दो एक ही क्रोमोसोम, यानी सेम होमोलोगस क्रोमोसोम पे जो है, एक ही होमोलोगस क्रोमोसोम पे जो है अगर दो से ज़्यादा जीन्स प्रेजेंट हो तो उनके बीच में जो है लिंकेज बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए जो है आगे जो है वो वेरिएशन कम आती है, ओके चलो, तो ये तो हो गया लिंकेज, ये क्या हो गया लिंकेज। अगला टॉपिक पढ़ना है हमको रिकॉम्बिनेशन।
तो रिकॉम्बिनेशन का जो टॉपिक है वो हम लोग समझेंगे, जो मियोसिस का जो फर्स्ट था, जो हमने मियोसिस फर्स्ट जो है आप लोगों को पढ़ के आने के लिए कहा था कि मियोसिस फर्स्ट का जो है वो पूरा नहीं पढ़ना था, बस प्रोफेस फर्स्ट पढ़ना था, जिसमें 5 स्टेप होते हैं, तो वहीं पर जो है हम रिकॉम्बिनेशन का थोड़ा सा टॉपिक पढ़ते हैं। चलिए, तो थोड़ा सा जो है मियोसिस का जो प्रोसेस है उसके रिलेट करके पढ़ते हैं। ओके, तो मियोसिस में प्रोसेस में आपने पढ़ा होगा मियोसिस फर्स्ट जो है, मियोसिस फर्स्ट का जो प्रोफेस फर्स्ट होता है, कौन सा प्रोफेस फर्स्ट होता है, मियोसिस फर्स्ट का जो प्रोफेस फर्स्ट होता है। ओके, उसमें 5 सब स्टेजेस होते हैं, जिसमें पहले वाले में जो पहला वाला स्टेज होता है कौन सा होता है, लिप्लोटिन, पहला स्टेज कौन सा होता है लिप्लोटिन। इसमें क्या होता है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो क्या होती है, डिसअपेयर होती है, वो क्या होती है डिसअपेयर हो जाती है, डिजनरेट हो जाती है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, और जो है क्रोमेटिड जो है वो हल्के हल्के किसमें फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं, क्रोमोसोम्स में। तो ये है अर्ली, मान लो इसको, और तो अर्ली में जो है ये क्रोमेटिड्स प्रेजेंट होंगे, और जो लेट आएगा यानी कि इसके बाद जो प्रोफेस आया यानी लिप्लोटिन स्टेज जो आया, उस वाले में जो है वो क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। तो क्रोमोसोम्स को जो है हम लोग ब्लू पेन से शो कर देते हैं, और एक जो है वो रेड पेन से शो कर देते हैं, एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स को रेड पेयर से शो कर देते हैं। ओके, चलिए, जब ये प्रोसेस होगा ये लिप्लोटिन स्टेज में पहुंचता है, फिर जायगोटिन स्टेज पे जो है, जब ये जायगोटिन स्टेज पे जाता है तो जायगोटिन स्टेज पे क्या होता है, ये दोनों क्या करते हैं एक दूसरे के ऊपर आने ले जाते हैं, यानी कि ये दोनों क्या है एक दूसरे के ऊपर क्रॉसिंग ओवर करने ले जाते हैं, एक दूसरे को क्रॉसिंग ओवर यानी कि एक दूसरे के ऊपर, जैसे कि मेरा हाथ है इस वाले हाथ पे मैंने रख दिया, ठीक है, तो आप जब ये हाथ इस वाले हाथ पर रख दिया तो एक साइड से आपको सिर्फ एक वाला हैंड दिख रहा होगा, दूसरा हैंड नहीं दिख रहा होगा, वैसे जो है, लेकिन जायगोटिन स्टेज पे जो है अभी तक सिर्फ जो है पहला पार्ट इनका जो है वो ओवरलैप करता है, देखना, तो ये जो है वो एक पार्ट जो है वो अटैच होता है दूसरे वाले क्रोमोसोम से, एक पार्ट जो है वो याला पार्ट जो है वो अटैच हुआ इससे दूसरे वाले क्रोमोसोम से। उसके बाद ये हुआ जायगोटिन स्टेज, ये जायगोटिन स्टेज हुआ, इसके आगे अगला आता है हमारे पास पकाइटिंग स्टेज, कौन सा स्टेज आता है पकाइटिंग स्टेज। तो उस स्टेज पे जो पकाइटिंग स्टेज होता है, इस स्टेज पे जो है जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं यानी एक पेयर में जो दो क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर जो है पूरी तरह एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह जो है वो ओवरलैप कर जाते हैं, पूरी तरह ओवरलैप कर जाते हैं, जैसे कि हाथ देखो मेरा, ये दो क्रोमोसोम मान लो कि एक क्रोमोसोम ये है, एक दो होमोलोगस क्रोमोसोम के एक क्रोमोसोम ये है, एक क्रोमोसोम ये है, जब ये दोनों जो है पूरी तरह यानी कि ये देखो पूरी तरह ओवरलैप कर जाते हैं, यानी कि जो आप एक साइड से देखोगे तो आपको सिर्फ मेरा एक हैंड दिखाई देगा, और अगर दूसरी साइड देखोगे तो दूसरा वाला हैंड दिखाई देगा, जैसे देखो घड़ी जो मैंने पहनी हुई एक साइड यह दिखाई देगा और एक साइड उसमें दिखाई देगा जिसमें घड़ी मैंने नहीं पहनी हुई, और पिछला वाला जो है वो दिखाई नहीं देगा, तो ऐसे जो है पूरी तरह ओवरलैपिंग कर जाते हैं अपने आप को पूरी तरह ओवरलैपिंग कर जाते हैं। ओके, चलो, तो ये जो है ये पूरी तरह जो है अपने आप को ओवरलैप कर जाते हैं, यानी कि ये वाला जो है इसी के ऊपर जो है वो ओवरलैप कर गया, और सेम ऐसी इसमें जो भी होगा रेड वाले में जो है एक दूसरे के ऊपर जो है वो ओवरलैप कर गए, ये हमारा फिर जो है वो पकाइटिंग स्टेज पे आता है। ये जो है वो पकाइटिंग स्टेज पे जो है ये होता है। उसके बाद अगला हमारे पास जायगोटिन स्टेज आती है, जायगोटिन स्टेज में जो है ये दोनों जो है हट जाते हैं और एक जगह से जुड़े रहते हैं, उसको चियास्माटा बोलते हैं। आगे जब फिर आगे बढ़ते हैं तो डिप्लोटिन स्टेज के बाद जो है वो डायगेनेसिस आते हैं, ये दोनों अलग अलग जाते हैं, उसके बाद ये मेटाफेस में जाते हैं और ये जो है वो फिनोमेना परफॉर्म करते हैं, लेकिन हमें जो है बस यहाँ तक समझना है, जो मेन टॉपिक जो है हमारे पे यहाँ तक समझना है। जब ये पकाइटिंग स्टेज पे पहुँचते हैं, तो सपोज इसके ऊपर जो है टी वाला क्रोमोसोम, इसके ऊपर क्या है टी है और इसके ऊपर क्या है स्मॉल टी लिया, क्या लिया टी लिया और स्मॉल टी लिया, तो इस केस में क्या अलग अलग क्रोमोसोम प्रेजेंट, यानी अलग अलग अलील प्रेजेंट है, इस पे है डोमिनेंट वाला, इस पे है रिसेसिव वाला। ओके, तो इस केस में क्या होता है
कि जब ये ओवरलैपिंग शो करते हैं तो ओवरलैपिंग के दौरान क्या है कि अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करते हैं। पैकेटिंग स्टेज पे जब ये ओवरलैपिंग करा हुआ होता है इन्होंने, तो इस स्टेज पे क्या होता है कि ये जो है इन्होंने अपना जो जेनेटिक मटेरियल यानी कि जो कैपिटल टी वाला होगा वो थोड़ा सा जेनेटिक मटेरियल जो है वो स्मॉल टी वाले में एक्सचेंज कर देगा, जो स्मॉल टी वाला होगा वो किसमें एक्सचेंज करेगा, किसमें एक्सचेंज करेगा, कैपिटल टी वाले में। ओके, तो ये जो है ये अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करते हैं। तो इस फिनोमिना को, जो ये फिनोमिना होता है इसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। इस फिनोमिना क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन। ओके चले, तो ये रिकॉम्बिनेशन का जो ये प्रोसेस है जिसमें इन्होंने बताया कि ये दोनों जो है अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करते हैं। उसके बाद बात आती है कि रिकॉम्बिनेशन कब जो है वो होगा और कब जो है रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा। ये जो हर उसमें रिकॉम्बिनेशन नहीं होता, हर उसमें रिकॉम्बिनेशन नहीं होता है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो जो मेंडल का जो थर्ड लॉ है, जो मेंडल का थर्ड लॉ जो इसी टॉपिक के बाद जो है वो कॉन्ट्रोवर्सीज में आया था, और मेंडल को जो है वो यूनिवर्सल लॉ जो है वो नहीं माना जाता, मेंडल को यूनिवर्सल लॉ नहीं माना जाता। आज जब ये टॉपिक खत्म होगा तो बताऊंगा मैं आप लोगों को कि इसको जो मेंडल का थर्ड लॉ जो है वो कॉन्ट्रोवर्सीज में क्यों आया था और उसको यूनिवर्सल लॉ हम क्यों नहीं बोलते। ये समझ में आया था मियोसिस का जो प्रोसेस, फर्स्ट का जो प्रोसेस है वो ये है। चलिए तो आगे पढ़ते हैं हम अपने टॉपिक पे, जो हमारा जो अभी वाला टॉपिक है उस पे पढ़ते हैं कि वो टॉपिक क्या है। चलिए तो देखिएगा अगला जो ये वाला टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक में तो रिकॉम्बिनेशन में हमने अभी देखा, तो हम ये करते हैं दो क्रोमोसोम्स बना लेते हैं, यहाँ पे दो क्रोमोसोम्स बना लिया हमने। ओके, और एक जो है ये एक कंडीशन ले लेते हैं, और ये जो है हम दूसरी एक और कंडीशन ले लेते हैं यहाँ पे, ये हमने जो है वो दूसरी कंडीशन ले ली। ए पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो हम ये वाला लेते हैं, और बी पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो ये वाला ले लेते हैं। इस पे हम लोग जो है जीन्स मेंशन कर देते हैं। एक जीन जो है ये वाला हो गया जीन फर्स्ट, ये हो गया जीन सेकेंड। उस वैसे जो है इस वाले पे जीन फर्स्ट ये वाला हो गया, जीन सेकेंड ये वाला हो गया। ओके, इसको करते हैं ये जीन थर्ड मान लो, इसको फोर्थ कर लो, इसे थर्ड कर लो, इसे फोर्थ कर लो। ओके चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखना, जब इन दोनों के बीच में फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी कितनी है इन दोनों के बीच में, अगर हम फ्रीक्वेंसी देखें तो फ्रीक्वेंसी क्या है, लो फ्रीक्वेंसी है। कैसी फ्रीक्वेंसी है, लो फ्रीक्वेंसी है। और अगर हम इन दोनों के बीच में देखो, जब बी पेयर ऑफ क्रोमोसोम देखें, अगर हम बी पेयर ऑफ क्रोमोसोम देखते हैं तो इन दोनों के बीच में फ्रीक्वेंसी कैसी है, हाई फ्रीक्वेंसी है। क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी है। ओके, तो जब लो फ्रीक्वेंसी है तो इनके बीच में जो है वो लिंकेज कैसी होगी, इन दोनों के बीच में लिंकेज कैसी होगी, हाई लिंकेज होगी। इनके बीच में हाई लिंकेज होगी और इनके बीच में लो लिंकेज होगी, इनके बीच में लिंकेज कम होगी। तो जो रिकॉम्बिनेशन का जो टॉपिक जो है, जो रिकॉम्बिनेशन का जो प्रोसेस है, जो रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस जब होता है, जब लिंकेज कम हो, जब लिंकेज कम होता है, यानी कि वही जो आप लोगों को स्टूडेंट में समझाया था कि जो कॉलेज में जो है आप दोस्त से जाते हो, तो ये जो है वो दोनों एक कॉलेज साथ में जो है वो कॉलेज में गए, एक ही कॉलेज में गए वो दोनों साथ में गए। जब इन दोनों के बीच में यानी कि जो ये दोनों फ्रेंड है या आप हो या आपका फ्रेंड है, जब आप दोनों के बीच में जो है लिंकेज बहुत अच्छी होगी, यानी आप दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा होगा, फ्रेंडशिप जो फ्रेंड है वो बहुत अच्छे फ्रेंड हो गए, तो आप दूसरे से बात नहीं करोगे, दूसरे से ज़्यादा बात नहीं करोगे जिनको जानते हो। तो जब मियोसिस फर्स्ट होगा तो उसका प्रोसेस फर्स्ट होगा, तो जब पैकेटिंग स्टेज आएगी, जब पैकेटिंग स्टेज आएगी तो ये दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे, ये दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे, और ओवरलैप के दौरान क्या करेगा, जो फर्स्ट वाला है, जो फर्स्ट वाला जीन है वो थर्ड वाले से जो है वो अपना जेनेटिक मटेरियल जो है वो शेयर करना चाहेगा, यानी अपना जेनेटिक मटेरियल जो है वो शेयर करना चाहेगा, यानी कि जो बात दूसरा है वो बात करना चाहेगा। लेकिन जो है आप जो है दो जने जो है वो पहले से अपने आप लिंक्ड हैं, तो क्या करेंगे, उसको बात नहीं करेंगे, यानी वो अपने जेनेटिक मटेरियल जो है वो उसके साथ एक्सचेंज नहीं करेंगे, वो अपने जेनेटिक मटेरियल उसके साथ एक्सचेंज नहीं करेंगे। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि रिकॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा कम होता है, तो इस वाले प्रोसेस में रिकॉम्बिनेशन क्या होगा, वेरी लो रिकॉम्बिनेशन, इस प्रोसेस में क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा कम होगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो दो अलील हैं,
उनके बीच दो जीन्स है उनके बीच में लिंकेज कैसी है, दोस्ती कैसी है, बहुत ज़्यादा गहरी है, दोस्ती कैसी है, बहुत ज़्यादा गहरी है, यानी लिंकेज क्या है, बहुत ज़्यादा लिंकेज है, जिनके वजह से जो है ये दूसरे जो बाकी जो है उनके साथ जो है अपना जेनेटिक मटेरियल शेयर नहीं करेंगे। ओके वैसे चलो बी वाला पेयर वाला ग्रुप उसमें देखना, यहाँ पे जो है लिंकेज बहुत ज़्यादा कम है, यानी कि ये दोनों आपस में ज़्यादा बातचीत नहीं करते, ये दोनों आपस में ज़्यादा बातचीत नहीं करते। जैसे कि सपोज आप जो है दूसरे कॉलेज में चले गए, आप दूसरे कॉलेज में चले गए, तो जब आप दूसरे कॉलेज में जाते हो आपका कोई फ्रेंड नहीं है तो आप अकेले बैठ जाते हो। ओके तो उसके बाद जब वो दूसरे के साथ रहेगा, ठीक है, तो दूसरे के साथ रहेगा तो वहाँ पे क्या होगा कि अलग अलग आप दोनों अलग अलग चले गए, आप जो है दूसरे कॉलेज में चला गया, आपका फ्रेंड जो है वो दूसरे कॉलेज में चला गया। ओके उस स्टेज में यानी कि ये दोनों जो है जीन अलग बहुत दूर दूर अली जीन से, आपका जो अलग फ्रेंड अलग कॉलेज में जाओगे तो आप बहुत दूर दूर हो जाओगे, तो उसमें ज़्यादा कॉन्टैक्ट भी नहीं होगा, आप लोग ज़्यादा बातचीत भी नहीं करोगे, बस एक बार थोड़ा सा फ़ोन ऑन कर लिया, कॉल कर लिया या कभी मिल लिया, तो लेकिन कॉलेज में आप लोग जो है वो नहीं मिल पाओगे, बातचीत नहीं कर पाओगे, तो उस टाइम पे जो है आप और आपका दोस्त जो है वो दोनों ही अकेले अकेले हो जाएंगे, तो उनको जो है बात करने के लिए कोई साथी चाहिए, तो वो क्या करेंगे, तो इस स्टेज वाले केस में क्या होता है कि जब दोनों जो है वो लिंक नहीं होते एक दूसरे से, दो जीन जो है वो आपस में लिंक नहीं होते, तो उस स्टेज पे क्या होता है कि जब वो इस स्टेज पे पहुंचते हैं यानी पकाइटिंग स्टेज पे पहुंचते हैं, जो ओवरलैपिंग के दौरान क्या होता है कि इसका दोस्त तो किसी और के साथ लिंकेज तो है नहीं, यानी इसका दोस्त तो कोई और है नहीं, तो ये क्या करता है कि अपना दोस्त जो है वो खुद बना लेता है, जो दूसरा जो है वो अपना दोस्त बना लेता है, यानी कि फर्स्ट और थर्ड जो है वो अपने दोस्ती कर लेते हैं और अपना जेनेटिक मटेरियल जो है वो एक्सचेंज कर लेते हैं, अपना जेनेटिक मटेरियल जो है वो एक्सचेंज कर लें, थोड़ा सा जेनेटिक मटेरियल जो है वो इसके साथ एक्सचेंज कर लेगा थर्ड वाला, और फर्स्ट वाला जो है इसके साथ अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज कर लेगा। इस केस में क्योंकि लिंकेज जो है इनके बीच में कम थी, तो यहाँ पे जो है वो जो रिकॉम्बिनेशन होती है, जो यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन होता है वो हाई होता है, रिकॉम्बिनेशन कैसा होता है, हाई, तो यहाँ पे हो जाएगा हाई रिकॉम्बिनेशन, इस केस में जो है वो रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है रिकॉम्बिनेशन, इस केस में जो है रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा होता है। ओके और इस केस में जो है रिकॉम्बिनेशन बहुत कम होता है, तो रिकॉम्बिनेशन कब ज़्यादा होगा, जब वो दोनों अलील जो होंगे क्या क्या होंगे, बहुत ज़्यादा दूर दूर होंगे, ये कैसे होंगे, बहुत ज़्यादा दूर दूर होंगे, तब जाके जो है वो रिकॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, ये जो है हमारा रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस है, लेकिन इसमें जो है लाइफ अगर आप देखें, तो अगर डेली लाइफ से अगर आप रिलेट करके देखें थोड़ा सा, तो रिकॉम्बिनेशन किस में होता है और किस में नहीं होता, चलिए तो उसका एक एग्जांपल बताते हैं आपको कि डेली लाइफ में आप कहाँ ऑब्जर्व कर सकते हो ये लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन का जो प्रोसेस है। ओके सपोज कि एक फैमिली है, ठीक है, एक फैमिली है, इसमें फादर है मदर है, ठीक है, फादर और मदर है, तो जब इनको बीच में ग्रुप क्रॉस होगा, सपोज जो है वो चार प्रोजेनी डेवलप हुए, फादर जो है वो टॉल थे और मदर जो है वो ड्वार्फ थी, यानी उनकी हाइट छोटी थी और फादर की हाइट बड़ी थी, तो आपने बहुत केसेस में देखा होगा कि जो कुछ जने होते हैं, ठीक है, कुछ तो जो प्रोजेनी होंगे वो टॉल हो गए, सपोज कर लो कि दो जो है वो टॉल हो गए, सपोज एक जना जो है वो ड्वार्फ हो गया, ठीक है, एक जना जो है वो छोटा रह गया, एक दो और दो जने जो है वो बड़े हो गए, लेकिन आपने कई कंडीशन में देखा होगा कि जो एक ना एक जो है फादर बहुत बड़े हैं, मदर जो है छोटी है, लेकिन जो प्रोजेनी होते हैं वो मीडियम साइज के होते हैं, कैसे होते हैं, मीडियम साइज के होते हैं, यानी कि ना ही जो है वो मदर की तरह बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, ना ही फादर की तरह बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, एक मीडियम एज जो है, मीडियम हाइट जो है उनकी रहती है, तो वो कंडीशन जो है वो कब आती है, तो वो कंडीशन जो है वो इसकी वजह से आती है, वो कंडीशन जो है वो रिकॉम्बिनेशन की वजह से आती है। रिकॉम्बिनेशन जब होता है तो जो है वो सपोज हम थोड़ा सा एग्जांपल जो है हमने अभी तक उसमें पढ़ा है पैसिव सेटाइल उनका, तो वही कंडीशन लेके चलते हैं, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी वाला कंडीशन पढ़ा था हमने, कैपिटल जो है वो कैपिटल कैसा है टॉल और स्मॉल टी कैसा है ड्वार्फ, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि अपना थोड़ा सा जो है ये अपना करेक्टर जो है वो थोड़ा सा अपना करेक्टर जो है वो कैपिटल यानी कि टॉल वाले को जो है अपना करेक्टर जो है थोड़ा सा एक्सचेंज कर देगा, यानी कि जो है जो कैपिटल वाला जो अलील है
वो क्या करेगा, अपना कैरेक्टर तो शो करेगा ही करेगा, अपना कैरेक्टर तो शो करेगा ही करेगा, और थोड़ा बहुत जो है वो ड्रॉप वाला जो कंडीशन है, यानी जो स्मॉल वाली जो कंडीशन है वो भी अब थोड़ा सा एक्सप्रेस करेगा। तो ना ही ज़्यादा शॉर्ट होता है और ना ही ज़्यादा टॉल होता है, वो डिपेंड करता है कि रिकॉम्बिनेशन कितना बढ़िया हुआ। जितनी ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन होता है उतना ही ज़्यादा जो है वो वेरिएशन आती है, उतना ही ज़्यादा वेरिएशन आता है। तो जो वेरिएशन आती है, जो वेरिएशन आती है वो हमारा रिकॉम्बिनेशन के वजह से ही आती है, जो वेरिएशन आती है वो रिकॉम्बिनेशन के वजह से ही होती है। देखते हैं कि बहुत जने जो है वो अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा अलग हो जाते हैं, अपने पेरेंट्स से जो है वो बहुत ज़्यादा अलग हो जाते हैं, और कुछ जो है वो अपने पेरेंट्स की तरह रहते हैं। जो आदत जो है वो पेरेंट्स में थी वही जो है वो जो है मदर में भी रहती है, वो जो जो आदत फादर और मदर में थी वही जो है वो उनके प्रोजेनी में भी होती है। तो सेम जो है वो इसलिए होता है क्योंकि लिंकेज उनके बीच में ज़्यादा होता है, तो जो क्या होता है कि रिकॉम्बिनेशन कम होता है। कई केसेस आपने देखा होगा जिसमें जो है दो ब्रदर्स, सपोज दो ब्रदर या दो सिस्टर हैं, तो उनके बीच में सिमिलैरिटी बहुत ज़्यादा होती है, उनके बीच में सिमिलैरिटीज बहुत ज़्यादा होती है, और कईयों के बीच में जो बिल्कुल ही सिमिलैरिटी नहीं होती, बहुत कम सिमिलैरिटी होती है, वो हम जो है हमारा ये रिकॉम्बिनेशन का जो प्रोसेस है वो इसकी वजह से होता है, जिसमें बहुत अच्छी तरह जो है रिकॉम्बिनेशन हो जाता है, तो उनके बीच में जो है वो वेरिएशन ज़्यादा आती है, और जिनमें जो है लिंक जो है ये रिकॉम्बिनेशन नहीं होता अच्छे से, उनके बीच में जो है वो जो वेरिएशन है वो कम आती है। ओके, तो ये जो है पूरा प्रोसेस है लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन का। अब आपको जो है जो भी डाउट होगा वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। चलिए तो आगे बढ़े, तो हेडिंग डाल दीजिएगा लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, हेडिंग डाल दीजिएगा आप लोग लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, और पहली हेडिंग डालिएगा लिंकेज, पहली हेडिंग डालिए लिंकेज, और लिंकेज में लिखिएगा, लिखो इट इज़ द फिनोमिना ड्यू टू विच द टू डिफरेंट जीन्स प्रेजेंट ऑन आ सेम होमोलोगस क्रोमोसोम प्रेजेंट ऑन आ सेम होमोलोगस क्रोमोसोम आर लिंक्ड टुगेदर इन पेरेंटल जनरेशन। ओके, तो लिख लिया होगा लिंकेज का मतलब क्या है कि जो दो पेरेंटल जनरेशन में जो दो क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, जो एक ही जो होमोलोगस क्रोमोसोम है उसके ऊपर जो है दो जीन्स प्रेजेंट है, उनके ऊपर जो है वो दो जीन्स प्रेजेंट है, और वो दोनों जीन्स जैसे हैं अपने आपस में क्या है लिंक्ड है, बहुत अच्छी तरह लिंक्ड होंगे तो आगे जो है वो ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएंगी। ओके, चलिए उसके बाद जो है एक नोट बनाइएगा, नोट में लिखना, तो चलो उससे पहले नोट में एक बात लिखनी है हमको, तो उससे पहले एक प्रश्न जो बोला था आप लोगों से कि टॉपिक समझाने के बाद आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा, इसका आंसर जो है आप लोग पहले क्वेश्चन सुन लीजिए, उसके बाद इसका आंसर जो है आप पूरी ईमानदारी से जो है आप लोग इसका आंसर जो है वीडियो पॉज करोगे और इसका आंसर जो है आप लोग नीचे कमेंट में लिखोगे, देखते हैं कि कितने बच्चे जो है इसको आंसर लिखते हैं, कितनों को जो है ये टॉपिक समझ में आता है। चलिए तो क्वेश्चन ये है कि लिंकेज फ्रीक्वेंसी और रिकॉम्बिनेशन, लिंकेज फ्रीक्वेंसी और रिकॉम्बिनेशन में क्या रिलेशन है। क्वेश्चन यह है कि लिंकेज फ्रीक्वेंसी और रिकॉम्बिनेशन में क्या रिलेशन है, इनके बीच में जो है वो रिलेशन कैसा है, ये जो है क्वेश्चन है आप लोगों का, आप लोगों को ये बताना है कि इनके बीच में जो है कैसा रिलेशन है। इसका आंसर जो है फटाफट से जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं देखूंगा किसने जो है पूरी ईमानदारी से लिखा कि इसका आंसर, ठीक है। चलिए आई होप आप लोगों ने आंसर लिख लिया होगा, तो आगे बढ़ते हैं, इनके बीच में रिलेशन क्या है मैं बताता हूँ आप लोगों को, आपने आंसर लिख दिया होगा वैसे आप कईयों को समझ में भी आ गया होगा। चलिए तो इनके बीच में देखते हैं रिलेशन कैसा है। तो रिलेशन हम अगर हमने अभी देखा
रिलेशन अभी देखा कि लिंकेज, जिसमें लिंकेज ज़्यादा होगी, लिंकेज ज़्यादा होगी तो क्या फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी कैसी होगी, कितनी होगी। अगर किसी के बीच में जो है, यहाँ देखना कि अगर लिंकेज ज़्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी क्या है, लो है, फ्रीक्वेंसी लो है। और जिसमें फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, जिसमें फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है उसमें लिंकेज क्या है, बहुत कम है, लिंकेज क्या है, लो है। यानी कि फ्रीक्वेंसी और लिंकेज एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कौन, फ्रीक्वेंसी और लिंकेज, फ्रीक्वेंसी और लिंकेज एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए। वैसी अगर बात करें कि फ्रीक्वेंसी और रिकॉम्बिनेशन की, और रिकॉम्बिनेशन और लिंकेज की अगर इनकी बात करें तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा तो रिकॉम्बिनेशन क्या होगा, ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा तो रिकॉम्बिनेशन भी ज़्यादा होगा, यानी कि एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी और रिकॉम्बिनेशन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उसके बाद रिकॉम्बिनेशन और लिंकेज, रिकॉम्बिनेशन और लिंकेज अगर हम देखें तो यहाँ इस कंडीशन में, अगर यही कंडीशन देखें तो लिंकेज क्या है, लो, लिंकेज क्या है, लो, और फ्रीक्वेंसी और रिकॉम्बिनेशन क्या है, हाई। यानी ये दोनों आपस में क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पर जो है वो लिंकेज हाई है तो रिकॉम्बिनेशन लो है, यानी कि अगर लिंकेज ज़्यादा होगी रिकॉम्बिनेशन कम होगी, यानी ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो रिकॉम्बिनेशन जो है वो देखें तो यहाँ पर देखें तो रिकॉम्बिनेशन जो है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और लिंकेज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर जो है इन तीनों के बीच में जो रिलेशन बन जाएगा वो ये बनेगा कि रिकॉम्बिनेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, और जो रिकॉम्बिनेशन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लिंकेज के। ये जो है इनके बीच का रिलेशन बनेगा। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया कि क्या समझाया। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो नोट बना लिया गया, एक नोट बनाएगा उसमें फर्स्ट पॉइंट लिखेगा, नोट बना के जो है वो फर्स्ट पॉइंट लिखना, लिंकेज, लिंकेज डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, लिंकेज डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। यानी लिंकेज इस पर डिपेंड होगा, फ्रीक्वेंसी पे, फ्रीक्वेंसी लो होगी तो लिंकेज हाई होगी, फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो लिंकेज लो होगी। उसके बाद ब्रैकेट में लगाइएगा, ब्रैकेट एक बनाइएगा और ब्रैकेट में अलग अलग पेन से लिखना, फ्रीक्वेंसी इंडिकेट द, फ्रीक्वेंसी के बारे में लिखना है कि फ्रीक्वेंसी क्या है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है। देखो फ्रीक्वेंसी इंडिकेट द, फ्रीक्वेंसी इंडिकेट द गैप बिटवीन, गैप बिटवीन टू सक्सेसिव जीन्स, टू सक्सेसिव जीन्स ऑन द सेम होमोलोगस क्रोमोसोम, ऑन द सेम होमोलोगस क्रोमोसोम। ओके, उसके बाद जो है ये वाला लिख लेना, ये वाला इतना लिखना है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लिंकेज के, फ्रीक्वेंसी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लिंकेज के, ये आप जो है नोट कर लेना। और इसमें सेकंड पॉइंट लिखो, इसमें सेकेंड पॉइंट लिखना नोट के अंदर ही, उसमें लिखो ग्रेटर द फ्रीक्वेंसी, ग्रेटर द फ्रीक्वेंसी लोअर इज द लिंकेज, ग्रेटर द फ्रीक्वेंसी लोअर इज द लिंकेज। अगर फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा होगी तो लिंकेज जो है वो कम होगी। ओके, उसके बाद जो है ये वाला डायग्राम बना लीजिएगा आप लोग, इसको हटा देते हैं, जो ये वाला डायग्राम है सिर्फ ये वाला डायग्राम बनाइएगा, ये वाला डायग्राम बनाने के यहाँ पर भी कर लेना इस, और इसको हटा देते थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ये है फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, इनके बीच में जो है वो लिंकेज कैसी होगी, फ्रीक्वेंसी कैसी होगी, लो होगी, लो फ्रीक्वेंसी, और इनके बीच में फ्रीक्वेंसी कैसी होगी, हाई होगी, हाई फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी। इनके बीच में जो है लो फ्रीक्वेंसी होगी, इनके बीच में हाई फ्रीक्वेंसी होगी। जब लो फ्रीक्वेंसी होगी तो इसमें जो है लिंकेज कैसी होगी, हाई होगी,
लिंकेज कैसी होगी, हाई लिंकेज। और जो अगर फ्रीक्वेंसी अगर हाई है तो लिंकेज लो होगी, लो लिंकेज। इसको जो है वो फटाफट से नोट कर लीजिए जल्दी से। ओके, नोट कर लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक जो है वो हमारा है, अगला टॉपिक हेडिंग डालना रिकॉम्बिनेशन। अगला टॉपिक डालना, टॉपिक का नाम लिखो अगला रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन लिखिए और उसमें लिखो इट इज़ द फिनोमिना, इट इज़ द फिनोमिना इन विच द टू अनलिंक्ड जीन्स, द टू अनलिंक्ड जीन्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स shows genetic variation। फुल स्टॉप लगाना और ब्रैकेट में लिखना जेनेटिक वेरिएशन का मतलब क्या है, ब्रैकेट में लिखो एक्सचेंजिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल इन द पेरेंटल बॉडी ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर यानी कि जब पकाइटिंग स्टेज जब आती है, जो पकाइटिंग स्टेज पे जो है वो ओवरलैपिंग होती है यानी क्रॉसिंग ओवर होता है, उस स्टेज पे जो उस जो दौरान जो है जो भी जेनेटिक मटेरियल जो एक्सचेंज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक वेरिएशन। उनको क्या बोलते हैं, हम जेनेटिक वेरिएशन। और ये होना जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है कि वेरिएशन लीड टू सर्वाइवल। अगर वेरिएशन नहीं आएंगी, तो सर्वाइवल भी पॉसिबल नहीं होगा। ओके, चलिए तो इतना हो गया। इसके बाद एक टॉपिक इसमें रह जाता है कि जो ये प्रपोज किसने करा था, मॉर्गन ने, ठीक है। जो मॉर्गन के जो स्टूडेंट, एक स्टूडेंट था जिनका नाम था एल्फर्ड स्टूटरवेंट जो है मॉर्गन के साइंटिस्ट थे। इन्होंने जो है एक कॉन्सेप्ट दिया था जीन मैपिंग का, जीन मैपिंग का। हमने अभी देखा कि जीन, हमने जो है वो क्रोमोसोम उस पर जो है वो जीन्स को लोकेट करा था कि फर्स्ट जीन, सेकंड जीन, थर्ड जीन, फोर्थ जीन। तो वही जो कॉन्सेप्ट था यानी क्रोमोसोम पर जो है जीन की पोजिशन बताना, ये काम करा था जो है अल्फ्रेड स्टूटरवेंट ने। ये काम जो है वो करा था एल्फ्रेड स्टूटरवेंट। ये जो है वो मॉर्गन के स्टूडेंट थे। इन्होंने जो है वो जीन मैपिंग का कॉन्सेप्ट दिया था। जीन मैपिंग का जो कॉन्सेप्ट था वो किसने दिया था, एल्फ्रेड स्टूटरवेंट ने। उसके बाद जीन मैपिंग क्या होता है, फिर आप लोगों को क्वेश्चन आ रहा होगा कि जीन मैपिंग क्या होता है, हम जीन मैपिंग कर रहे हैं तो जीन मैपिंग होता क्या है। तो जीन मैपिंग, अभी आप लोगों को बताया था कि जीन मैपिंग क्या होता है। जीन मैपिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम जीन्स की पोजिशन बताते हैं, क्रोमोसोम्स पे, यानी कि जीन्स जो है वो क्रोमोसोम पे किस जगह पे प्रेजेंट है, यानी किस लोकेशन में प्रेजेंट है, उसका काम जो है वो इन्होंने करा था। और ये कॉन्सेप्ट जीन मैपिंग का दिया था, ठीक है। तो जीन मैपिंग क्या है कि पोजिशन ऑफ अ जीन ऑन अ क्रोमोसोम्स। ओके, तो ये जो है एक एडिशन बात थी इसमें, वो बता दी आप लोगों को कि जो एल्फ्रेड स्टूडेंट थे यानी कि जो मॉर्गन के जो स्टूडेंट थे, उन्होंने जीन मैपिंग का कॉन्सेप्ट दिया था और उन्होंने बताया जीन मैपिंग क्या होती है। चलिए इसमें फिर एक रिकॉम्बिनेशन के नीचे जो है एक नोट बनाइएगा, जहाँ पर रिकॉम्बिनेशन की डेफिनेशन लिखा होगा वहाँ के उस पर नीचे एक नोट बनाना और लिखो, उसमें लिखो फर्स्ट पॉइंट लिखना एल्फर्ड स्टूडेंट ब्रैकेट में लगा देना मॉर्गन्स स्टूडेंट, ब्रैकेट में लिख देना मॉर्गन्स स्टूडेंट
ब्रैकेट क्लोज करना और लिखना गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ जीन मैपिंग, गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ जीन मैपिंग, फुल स्टॉप लगाना। और सेकंड पॉइंट में जो है वो जीन मैपिंग हेडिंग डालना, सेकंड पॉइंट में जो है वो जीन मैपिंग हेडिंग डालना और उसमें लिखो इट इज द फिनोमिना बाय विच we make the position of genes on chromosome at which they lie, फुल स्टॉप लगा देना। तो ये जो है वो जीन मैपिंग है कि जीन मैपिंग में क्या है कि जीन जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट है उसकी लोकेशन बताने का काम जो है किसने करा था, अल्फ्रेड स्टूडेवेंट ने, उन्होंने जो है जीन मैपिंग किया कि कौन से जीन जो है वो कहाँ कहाँ पर लोकेट करना है, तो वो सारी जो जानकारी जो है अल्फ्रेड स्टूडेवेंट ने दिए थे, ये मॉर्गन के स्टूडेंट थे। तो इसके साथ जो है आप लोग का ये टॉपिक लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन जो टॉपिक है इसके साथ आप लोगों का समाप्त होता है। अगला टॉपिक जो हम लोगों को पढ़ना है वो पढ़ना है हमें सेक्स डिटर्मिनेशन, अगला टॉपिक हमारा है सेक्स डिटर्मिनेशन के टॉपिक जो है वो हमें पढ़ना है, वो हम पढ़ेंगे कल से। आज के लिए जो है वो इतना काफ़ी है, बाय बाय, टेक केयर।